पंजाब में प्रभारी बनने के बाद अमृतसर प्रदेश कार्यकारिणी के लिए मैं प्रथम फर्स्ट टाइम आया हूँ। स्वाभाविक मन करता है कि अमृतसर आते हैं तो यहाँ गुरु साहब के पास, हर मंदिर साहब के पास माथा टेकने के लिए काफी जी मन कर रहा था। तो मेरा आज सौभाग्य है कि यहाँ माथा टेकने के लिए मैं आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब में भाईचारा बना रहे, पंजाब शांति सुलह बनी रहे, पंजाब और मजबूत बने और पंजाब बहुत आगे बढ़े, ऐसी में यहाँ भी प्रार्थना करूँगा। दो दिन की जो मीटिंग हुई हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में बनी और उसके बाद सभी राज्यों में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक अभी हो रही है। आज पंजाब की कार्यकारिणी की बैठक आज मिलेगी, कल पदाधिकारी की बैठक थी और आने वाले दिनों में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, 24 के चुनाव में पंजाब से ज्यादा एमपी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से चुनकर आए, ऐसी रणनीति इस कार्यकारिणी में बनेगी। जैसा कि गुजरात दे पूर्व सीएम और पंजाब दे बीजेपी दे इंचार्ज दे नाते रूपानी जी दा पंजाब दी ये फेरी है और क्योंकि कार्यकारिणी जिहड़ी है साडे पवित्र अमृतसर दी नगरी दे अंदर हो रही है और राजधानी चाहे साडी चंडीगढ़ है लेकिन सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर है। इस करके गुरु घर आके पंजाब दी चढ़दी कला दी अरदास करना और उस अरदास करन दे लई ही रूपानी जी अज इत्थे मत्था टेकन आए ने और इस तो बाद दुर्गयाना मंदिर दे अंदर भी असीं मत्था टेकांगे और पंजाब चढ़दी कला च रहे इहदी अरदास करांगे।